चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से तकरीबन डेढ़ घंटे की तवील मुलाकात खत्म हुई और अभी हम जरा बाहर निकले हैं ऑफ द रिकॉर्ड बहुत हाँ हाँ नहीं 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 आपसे हाथ है यार छोड़

इस वक्त मैं जमान पार्क लाहौर में हूँ वजह ऑब्वियस है कि चेयरमैन पी टी आई इमरान खान साहब से कुछ देर में मुलाकात होने जा रही है ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट कोलीग जो हैं ऑल द वे फ्राम इस्लामाबाद यहाँ ज़मान पार्क पर पहुँचे हैं कुछ ही देर में ये मुलाकात होने जा रही है तो मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से थोड़ा तज् लेंगे मालूम करेंगे कि क्या हो रहा है व्हाट्स इन साइड स्टोरीज़ इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं तो आपके ज़ेनों में भी कुछ सवाल हैं वो हम भी सोच रहे हैं तो जाके उनसे पूछते हैं और फिर कुछ ही देर में आपको अपडेट करता हूँ मेरे साथ रहिए तू आज बड़ा बन के आया खैरियत शर्म कर लो कुछ अच्छा बता सही किसने दी तुझे ये टोपी मेरी <laughs> <laughs> बात से

जी बिल्कुल कादिर तीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह को इमरान खान का एक तारीख़ी जलसा हुआ था मीनारे पाकिस्तान में तो उससे ग्यारह दिन पहले उन्नीस अक्टूबर को मैं यहाँ पर आया था फारूक हबीब साहब के साथ और खान साहब ने जलसे से ग्यारह दिन पहले कहा था कि देखना तीस को बहुत दुनिया होगी क्या बात है बड़ी आपने तारीखें याद रखी हुई ग्यारह ग्यारह जैसे दराज की सेल होती देख <laughs> <laughs> लें ग्यारह ग्यारह के साथ बिलॉग हो रहा है भाई साहब का हेलो लुक हु इज कैसे आप बताइए सब जो लतीफा एक ट्वीट किया है उसके बारे में तो पूछे क्या वो बाल खड़े हो भैया मशहूर वाक्य जनरल रियाजा का जो उस दौर में जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में भी मशहूर था ना कि जब नई नई नायब बनी थी तो खरगोश जो है वो भाग रहा था जंगल से तो उन्होंने खरगोश ने जो है रास्ते में जो है उसको रोका ने उसने कहा किधर भाग रहे हो और उसने कहा जंगल से भागो जिसके तीन कान है ना उसको हुक्म हो गया कि उसका कान काट दें उसने कहा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे तो दो कान है उसने कहा नहीं वो काट पहले रहे गिन बाद में खूबी है ऊपर भी जाए तो इनको फुल ग्रिप है यही मजेदारी है चले वेलकम जी गए आप लोग जी सर गए सुबह के निकले हैं ਫਵਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਟਾ ਕੱਟੀ ਕੋਈ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਜ਼ਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਮਨੇ ਥੋੜਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਟਾ ਕੱਟੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮਾਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰਫ ਵੈਸੇ ਕਦ ਤੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਬੜੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਟਰਮੋਇਲ ਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੇ दोस्तों को बाकियों को खौफ तो यही है ना कि बड़ा बहुत हो गया अब पीटीआई जो है वो फ्रेंकली छोटा नहीं कोई कर सकता और बड़ी हो देखें ये तो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है ये नेशनल इलेक्शन कहाँ कराएंगे आज सदर ने वो समरी वापस सदर साहब ने तो, तो समरी भेजी है लेकिन ये तो देखें इनको तो एक तरफ इलेक्शन हो और दूसरी तरफ गटर हो तो ये गटर में छलांग लगा देगा ये तो सोचना है इदारों ने सुप्रीम कोर्ट ने पहला इलेक्शन रोका है गलत रोका सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था आप सब लोग अदालत में दें जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब को बिलावल को क्या आप इलेक्शन होने दें उस वक़्त सुप्रीम को ये सारा बहरान सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले के नतीजे में आया है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ना रोकती और आज मुल्क में इलेक्शन हो चुके होते बिल्कुल जो है वो ये गैर मुंतखब इदारों ने पाकिस्तान ने बहरान पैदा किया बेहतरी दुआई है थोड़ी आप लोगों को कॉलने शालने कम हो गए हैं exactly. मीडिया को इधर उधर लेकिन पूरा इलेक्शन अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया ना खौफ यह है कि इमरान खान बड़ा हो गया इमरान खान इतना बड़ा हो गया है तो उसको कैसे ये ऐसे ही एक हमारे यहाँ ना एक स्टब्लिशमेंट के अंदर सोच होती है कि कोई बंदा आवाम में से बड़ा ना हो जाए और वो उसको फिर अब ये जो एम के एम का इकट्ठा हो रहे हैं यह बी ए पी पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है यह आपका ख्याल है कि ये बड़ा कोई नेचुरल प्रोसेस हो रहा है ये कामरान टसूरी साहब हैं या जो इनको जानता कोई नहीं है बेचारों को ये तो मतलब नॉन करैक्टर्स हैं ना और इस्टाब्लिशमेंट को ये भी नहीं समझ आती कि ये देखें वो वक्त गुजर गया है कि जब सिर्फ़ एक अखबार होता था और इस्टाब्लिशमेंट का किसी को पता नहीं होता था कौन क्या कर रहा है अब तो 24 घंटों में कच्चा चट्ठा बाहर आ जाता है अब तो लोग जो हैं बेचारे जो हैं वो बाथरूमों में भी बनियाने पहन के जाते हैं कि वीडियो ही ना बाँध रही हो ओके okay, जी तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से तकरीबन डेढ़ घंटे की तवील मुलाकात खत्म हुई और अभी हम जरा बाहर निकले हैं जवैर साहब तू जी जदों ही अबास भाई मेरे नाल आ जाना उदो कर लेना ठीक है थोड़ा सा और पीछे उधर तो तो लाइट इथे आ रही है तो ना लाइट आ रही है ना मेहरबानी हाथ हाथ नहीं जुड़ाने

तो हमने खान साहब की सिक्योरिटी को जो दरपेश ख़तरात हैं या ख़दशात हैं उनको मद्दनज़र रखते हुए फ़ौरी तौर पर उनकी इस बात को माना लेकिन सिक्योरिटी के कुछ लोग थोड़ा बेहतर रवैया अगर रखते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है आर्गूमेंट्स ना होते बहरहाल जैसे ही उन्होंने इंडिकेट किया मैं तो बिल्कुल समझ गया क्योंकि खान साहब की सिक्योरिटी से ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं आई ये विलॉग भी इंपॉर्टेंट नहीं है और बाकी मामला भी बिकॉज़ मैं तो ख़ुद इन चीज़ों को बड़ा करीब से देख चुका हूँ कि किस किस्म के संगीन थ्रेट्स हैं उन्हें तो इस बात को ज़रूर वैल्यू किया जाना चाहिए था और वैल्यू किया भी गया लेकिन थोड़ा रवैया आस पास के लोगों का वो जैसे पंजाब पुलिस के कुछ लोग हैं उनकी ट्रेनिंग ही कुछ इस तरह से हुई है कि प्यार मोहब्बत से बात थोड़ी कम और ज़रा रोब दबदबे से ज़्यादा तो ज़रा प्यार से अगर रिक्वेस्ट की जाए तब भी मानी जा सकती है ज़रूरी नहीं कि रोब दबदबाई हो एनीवेज uh, कोई और सिचुएशन होती या कोई और होता तो फिर तो वे शायद वहीं से रिकॉर्ड हो जाता लेकिन चूँकि ख़ान साहब की सिक्योरिटी का इशूज़ था तो फिर सब ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है इट्स तो ओके वहीं बाद में कर लेंगे तो इसलिए फिर मैं घर आके आपसे बातचीत कर रहा हूँ एन कमिंग बैक टू द पॉइंट खान साहब से ये मुलाकात तकरीबन डेढ़ घंटे के लगभग रही और इस डेढ़ घंटे में बहुत सारे सवालात उनसे पूछे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो माइंड में थे उनका उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया Uh, मुझे हैरानी हुई कई ऐसी चीज़ें थी जो वो ये कह रहे थे कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है ये ऑफ द रिकॉर्ड है यानी ये चीज़ें आ, सिर्फ वो हमारी मालूम के लिए शेयर कर रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहता लेकिन वो कह रहे थे कि ये ऑन द रिकॉर्ड है यानी ये चीज़ें आप बता सकते हैं तो कोशिश करूँगा जिस हद तक बता सका उस हद तक बताऊँगा मौजूदा आर्मी चीफ सबक आर्मी चीफ फिर सियासी मामलों और खातून अव्वल से मुतल भी सवालत मतलब कई मामला ऐसे होते हैं जब आप कहते हैं कि यार खातून अव्वल निजी मामला इसके ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं लेकिन सहाफ़ियों ने उनसे ये सवाल भी किए और चॉइस उनके ऊपर छोड़ दी कि अगर आप जवाब देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी ना देना चाहें तो आप बेशक कह दें कि नहीं इसका जवाब देना लेकिन उन्होंने इन सारे सवालों का बड़े अच्छे से जवाब दिया एक कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है ना कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो जब डी जी आई एस आई थे तो उन वो प्राइम मिनिस्टर को कुछ ब्रीफ करने गए तो उन्हें किसी बात का बुरा लग गया तो फिर बाद में उन्हें हटा दिया गया ऐसी मुस्लिम लीग में उनके बहुत सारे रहनुमा बताते हैं कि उन्होंने ख़तून अव्वल से मुतिक कुछ चीज़ें प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी थी उस वक्त तो इस बारे में भी क्वेश्चन हुआ उनसे उसका क्या जवाब दिया वो भी बताता हूँ लेकिन तरतीब से जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ पहला जो क्वेश्चन था उनसे सियासी मामलों के हवाले से ही था उन्होंने थोड़ा बहुत ब्रीफ किया फिर मौजूदा आर्मी चीफ़ के हवाले से उनसे पूछा गया कि उनके साथ आपका वर्किंग रिलेशन लास्ट टाइम तक कैसा था और क्या अभी आपका उनसे कोई रबता कोई पैगाम या कोई मैसेज कन्वे हुआ है तो उन्होंने कहा कि मेरा अच्छा ताल्लुक था मेरा कोई तनाज़ा नहीं है मौजूदा आर्मी चीफ़ के साथ वर्किंग रिलेशन भी ठीक था और लेकिन अभी एट द मोमेंट उनका किसी किस्म का कोई रबता नहीं हुआ मोस्टली क्वेश्चंस जो थे वो जमे बाजवा के हवाले से थे और जमे बाजवा का नाम सुनते ही इमरान खान साहब ऐसा नहीं है कि उनको कोई गुस्सा आता है या वो फ्रस्ट्रेशन है या कोई एंगर है वो ऐसा लगता है कि जैसे उनको कोई फुल टॉस दे रहा है और वो खुल के उन सवालों का जवाब दे रहे हैं और एक लम्हाय किए बिना वो हर वो चीज़ बताते हैं जो उनके नॉलेज में थी खासतौर पर उन्होंने आखिरी मुलाकात का हवाला देते हुए भी बहुत सारी चीज़ें बताईं और उनके नाम से मंसूब करके उन्होंने जैसे कहा कि ये कमर ने मेरी कमर में जिस तरह छुरा घोंपा वो ऐसे घोंप रहे थे कि पता भी ना चले और ये सारा काम भी हो जाए कह रहे कि आखिरी बार वो जब मेरे से मिले तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के इतनी ज़ोर से खींचा इतनी ज़ोर से दबाया मतलब इतनी गर्म जोशी से मिले जैसे मेरा और इन 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 दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो किसी और का है ही नहीं यानी मेरे से बढ़ के इनका कोई दोस्त इस दुनिया में ही नहीं है जितने प्यार से मोहब्बत से वो ये सारा कुछ कर रहे थे उन्होंने कहा कि जब बाजवा के साथ उनका वर्किंग रिलेशन बेहतर था लेकिन उनसे इख्तलाफ जो था वो दो तीन चीज़ों के ऊपर हुआ अभी तक कुछ चीज़ें आपने टीवी पर सुन रखी हैं कुछ उन्होंने नहीं बताई है मैं चाहता हूं कि आपको वो बता दूं उन्होंने कहा कि जब तक तो उनको एक्सटेंशन नहीं मिली थी तब तक तो ये सारे मामला तो बड़े स्मूथ थे लेकिन जब उन्हें एक्सटेंशन दे दी तो फिर उनका रवैया अचानक से बदलने लगा तो मैंने उनसे पूछा कि जब ये एक्सटेंशन का मामला हो रहा था या हो चुका था बल्कि हो रहा था तो लंदन में एक मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में मुस्लिम लीग नून के लोग बैठे हुए थे और फिर उन सब ने कुरान पाक के ऊपर हाथ रखा कि हम इस मीटिंग में होने वाली कोई बात बाहर लीक आउट नहीं करेंगे और वो आज तक लीक आउट नहीं हुई क्या आपको लगता है कि उस मीटिंग के भी कोई असरा हैं उस मीटिंग में कोई चीज़ ऐसी हुई जिसकी वजह से बाद में कंप्रोमाइज़ करना पड़ा जब बाजवा को तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही मैं महसूस करता हूं और यही मैं कहना चाहता हूं कि जब एक्सटेंशन हो गई तो उसके बाद उनका रवैया अचानक से बदलने लगा फिर वो मुझे बार बार आके सिर्फ यही कहते रहे कि आप एहतसाब को छोड़ दें आप एन आर ओ दे दें वो मुझे खुद आके ये कहते रहे कि एहतसाब को छोड़ें इकानमी पर तवज्जो दें और इन सब को एन आर ओ दे दें तो तब कह रहे मैं सोचता था कि ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि एन आर ओ दे दें एन आर ओ दे दें लेकिन पीछे जो था वो यही सारा मामला था कि जैसे ही एक्सटेंशन हुई उसके बाद से ये सारा कुछ बदलने लगा फिर उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क का चीफ एग्जैक्टिव था यानी वज़ी अजम था लेकिन कुछ चीज़ों का मुझे भी इल्म नहीं था कि ये सारा कुछ हो रहा है लाइक like, उन्होंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ जो मुझे साबित किया गया या जो एंटी अमेरिका मुझे बना के पेश करने की कोशिश की गई ये अमेरिकन ने ख़ुद नहीं एज्यूम किया कि मैं कोई एंटी अमेरिका हूँ या मैंने उनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसा कर दिया ये मुझे पाकिस्तान से एंटी अमेरिका बनाने की कोशिश हुई और ये कोशिश इस तरह से हुई के हुसैन हकानी को वहाँ पर हायर किया गया लॉबिंग फर्म के तौर पर अमेरिका में और फिर ये हायर भी जनरल बाजवा की तरफ़ से किया गया इमरान ख़ान साहब ऐसा कहते हैं और मुझे ही पता नहीं था और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें पैसा जा रहा था और उन्हें जो भी ख़र्चा या हायरिंग फीस या वॉट जो भी आप कह सकते हैं मतलब हुकूमत पाकिस्तान के ख़र्चे के ऊपर हुसैन हकानी को हायर किया गया था जो वहाँ पर जनरल बाजवा की तारीफ़ें कर रहे थे और इमरान ख़ान को तो, एंटी अमेरिका साबित करने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान साहब के बकौल वो ये कहते हैं कि जो डोनाल्ड लू ने जितना कुछ भी कहा जो कुछ भी मेरे बारे में कहा गया वो अमेरिका से नहीं उसे कहा गया था या अमेरिका में नहीं सारा कुछ तैयार हुआ था वो ड्राफ्ट और वो सारी चीज़ें कहते हैं वो लफ्ज़ वो सिखाया बताया और पढ़ाया गया जो कुछ भी था उसे वो पाकिस्तान से तैयार हुआ था मतलब पाकिस्तान से उसे ब्रीफ किया जा रहा था कि इमरान खान एंटी अमेरिका है तो कह रहे कि जब हम रूस में गए तो मैं तो सारा कुछ कंसल्ट करके गया था जो है भाजपा से आखिरी बार फ़ोन पे बात हुई बाकी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनसे पूछा जो फॉरेन सेक्रेटरीज़ थे एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज उनसे पूछा सबने कहा आपको जाना चाहिए जब मैं वापस आया तो फिर ये कैंपेन कैसे लॉन्च की गई कि ये फैसला इसका खुद का था इसका अकेले का था इसमें बाकी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं है तो ये सारा कुछ बताया जा रहा था फिर Uh, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी हुकूमत ना जाती यानी जिस तरह से भेजा गया अगर इस तरह से ना जाती तो मेरे अमेरिका के साथ बेहतरीन तल्ल थे और मैं कहते सौ फ़ीसद ये आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि मैं अमेरिका से वो रियायतें ले सकता था पाकिस्तान के लिए जो भारत ने ली हैं यानी रशियन ऑयल वग़ैरह के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जो सैक्शन हैं जब या पाकिस्तान नहीं ऑयल ख़रीद पा रहा या जो कुछ भी है वो कह रहे हैं कि मैं वो सब कुछ करवा सकता था मैं इस पोजीशन में था तल्लु बेहतर थे लेकिन यहाँ से ये सारी कोशिशें की गई फिर उनसे ये भी क्वेश्चन हुआ कि आप लोग असम्बली में क्यों नहीं जाते ये बार बार पूछा जाता है सवाल तो ये उनका जो जवाब है ना ये बड़ा वैलिड जवाब है आप लोगों के समझने के लिए बड़ा मैं भी पहली बार ये इस जवाब से मतलब सेटिस्फाई हुआ कि हाँ दिस इज़ द लॉजिकल आंसर उन्होंने कहा कि हम असेंबल्लियों में जाके क्या करें कहा तो ये जाता है ना कि आए और रिफॉर्म करें तो अगर रिफॉर्म करनी है या कोई कानून पास करना है या कोई बिल पास करना है तो ये सिंगल हैंडेडली सारा कुछ कर सकते हैं इन्होंने नैब तरमीम कर ली इन्होंने अपनी मर्जी के कानून पास करा लिया इन्होंने जो करना है वो कर तो रहे हैं ऑलरेडी तो अगर इलेक्शन इजलाहत करनी है जो भी करना है वो भी कर लें अपने तौर पर कर लें उसके लिए पीटीआई का पार्लियामेंट में होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता एट द मोमेंट अगर आईन में कोई तरमीम करनी होगी तो उस वक्त हो सकता है लेकिन अभी मामूल का अगर कोई बिजनेस है तो ये सारा कुछ कर सकते हैं कह रहे जिस दिन हम पार्लियामेंट में चले गए बेसिकली ये चाहते क्यों बार बार क्यों कहते हैं कि हम पार्लियामेंट आए पार्लियामेंट आए बिकॉज ये खुद को इंडोर्स कराना चाहती है ये हुकूमत के हाँ अब ये पार्लियामेंट में आ गए हैं इसका मतलब इन्होंने हमें मान लिया तो जिस दिन हम पार्लियामेंट में गए इसका मतलब हमने उन्हें तस्लीम कर लेना है तो ये नहीं हो सकता तो इसलिए उनका कोई इरादा नहीं है फिर सूबाई असम्बली के हवाले से बात हुई फिर मैं आपको खातून अव्वल और आर्मी चीफ के हवाले से बताता हूँ क्या बातचीत हुई जो पंजाब असम्बली की तहलील का मामला है उन्होंने कहा कि देखो अदालत ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या कहेगी कि हमें अहतमाद का वोट लें ठीक है हम उसके लिए तैयार हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं जैसे ही हमारी तैयारी हुई हमने एतमाद का वोट ले लेना इससे ज्यादा तो नहीं कुछ हो सकता तो पंजाब असम्बली तो डिजॉल्व करनी ही करनी है लेकिन उसमें बहुत सारी रुकावटें हैं उनको भी अंदाज़ा है मैंने फिर उनसे ये क्वेश्चन भी पूछा मुझे याद आ गया बल्कि मैंने कहा आपने एक हफ्ते का वक्त क्यों दिया गवर्नर को जो आपने एक हफ्ते का वक्त दिया जिस दिन आपने अपने बुजरा को साथ बिठाया था बुजरे आला को आप उसी दिन तहलील कर देते असम्बलियाँ एक हफ्ते का वक्त देने की क्या जरूरत थी तो उन्होंने कहा कि मैं बेशक एक हफ़्ते का वक्त ना भी देता एक मिनट का वक्त भी ना देता जैसे ही समरी गवर्नर के पास जानी थी गवर्नर ने ऑटोमेटिकली यही कहना था कि आप पहले एतमाद का वोट लें तो कह रहे हमें पता था ना गवर्नर के पास ये राइट है ये इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त वो कह देता जैसे ही हमारी समरी आती वो कहता नहीं समरी बाद में आई है पहले मैंने ये कहा है उनको मुझे बाद में मौसू हुई है पहले मैंने एतमाद का वोट लेने का कह दिया इसलिए वो एक हफ़्ते का वक्त हो पाँच मिनट का वक्त हो दस मिनट का वक्त हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एनी जब मैंने उनसे बल्कि हाँ एक और भी साफ़ी थे उन्होंने पूछा उनसे कि जो वज़ी अला पंजाब हैं परवेज़ लाई कि आपको उन पर ट्रस्ट है क्या वो आपके कहने पर सवलियाँ तोड़ देगी अभी तक क्या है तो आस पास जो लोग बैठे हुए थे वो बड़ा हंसे हैं इस बात पर और ख़ान साहब ने बस इतना कहा ऊपर देखा और कहा देखो दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है दिलों के या नीयतों के उन्होंने क्या नीयतों के हाल अल्लाह जानता है देखें क्या होता है तो वो आ, मतलब उन्होंने इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की फिर मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया आ, मैंने कहा जी हमारे देखने वाले सुनने वाले कमेंट्स में बड़ा ये कहते हैं कि दस सीटों के ऊपर वजी अला आपको इतना भगाते दौड़ाते हैं आपको आगे लगा के रखा हुआ है पूरी पार्टी को पीटीआई को आप इनके साथ ज़्यादा नशितों के ऊपर चले गए या ज़्यादा सीटें दे दी तो फिर क्या होगा फिर तो ये आपके साथ और बहुत तो उन्होंने कहा नहीं इतना नहीं है अभी इसके ऊपर चल रही है बातचीत अभी देखते हैं तो वो उनके नॉलेज में ये चीज़ है कि फर्दर आगे भी इनको मुश्किल हो सकती हैं अच्छा फिर ख़ातून अव्वल के हवाले से एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि देखें मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ अगर आपकी मर्जी हो आप इसका जवाब दें अगर आपको बुरा लगे तो मैं पहले माजरत कर लेता हूँ आप बेशक इसका जवाब ना दें खाने का नहीं नहीं आप पूछें पूछें तो उन्होंने कहा देखें मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनके हवाले से बड़ा एक नून ली के लोग आ के कहते हैं कि उन्होंने आपको कोई मालूम दी खातून अव्वल के हवाले से और फिर उसके बाद आपने उन्हें बताओ डी जी आई ऐसे ही हटा दिया था ट तो उन्होंने कहा मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ आप किसी भी जगह से वेरीफाई कर लें और ये हो भी जाएंगे उन्होंने कहा झूठ कभी छुपता नहीं है बकौल इमरान खान साहब के वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ इनको कुछ नहीं मिल रहा था ना मेरी माली करप्शन मिल रही थी ना कुछ ना कोई और चीज़ नहीं मिल रही थी कि मेरी करैक्टर असैसिनेशन किस तरह से की जा सकती है और क्या ढूंढा जा सकता है तो इन्होंने इस सारी चीज़ों को तलाश करना शुरू कर दिया और इस तरह करके आगे बढ़े कह रहे बुशरा बीबी जो हैं वो आ, उसको पैसे से कोई लालच नहीं है उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी बातें की उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती किसी पागल खाने का विज़िट कर लिया किसी लंगर खाने का विज़िट कर लिया वो तो और कहीं जाती भी नहीं है घर के अलावा तो ना उसको कोई पैसे की हिर्स है ना इस तरह का कोई तो वो पैसा उन्होंने कहा मरियम नवाज़ ने तो चलो अपना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तो महंगे कपड़ों के ऊपर महंगे जूतों के ऊपर पैसा खर्च करना है वो तो शब बीबी की ये जरूरतें नहीं है तो उसने पैसे के लिए ये सारा कुछ क्यों करना तो वो इस चीज़ को निगेट कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात हुई थी या ऐसा कुछ हुआ होगा एनी एक बात जो हम उनसे जब क्वेश्चन हो रहा था तो उन्होंने कहा ये वाली बात ऑन द रिकॉर्ड लिखो ऑन द रिकॉर्ड अच्छा ऑन द रिकॉर्ड क्या था मैंने कल ट्वीट नहीं किया मुझे मुनासिब नहीं लगा मैंने कहा यार नहीं लिखता हूँ नहीं ट्वीट करता हूँ या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिखता हूँ लेकिन मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है तो इसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए या नहीं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन चलें कर लेते हैं उन्होंने कहा कि जन बाजवा आए मेरे पास और उन्होंने मुझे आके कहा कि हमारे पास आपके लोगों की टेपें हैं फाइलें हैं फाइल्स सॉरी फाइल्स उन्होंने कहा कि जन बाजवा ने कहा कि हमारे पास आपके लोगों की फाइल्स हैं देखें ना फवाद चौधरी निजी महफिलों में बैठ के ये ये बात कर रहा है फलां ये कह रहा है फलां की ये फाइल है फलां की ये फाइल है और साथ ही उन्होंने कहा कि आप भी प्ले बॉय हैं तो ख़ान साहब ने कहा कि मैंने कहा हाँ मैं रहा राउँ तो तो खान साहब ने जिस अंदाज से कहा ना तो वो बड़ा मुझे ऐसे एकदम से ऐसे लगा कि वाकई खान साहब ने मतलब ऐसे ही कहा तो फिर आगे उन्होंने कहा कि मैंने फिर उनसे कहा कि आप लोगों का यही काम रह गया है आप उसकी फाइलें बनाएं उसकी फाइलें बनाए उसकी टेप्स बनाए मुल्क के पैसे पे टैक्स पेयर के पैसे पे आप लोगों की फाइलें बना रहे हैं ये कर रहे हैं क्या सिर्फ यही काम रह गया है तो मतलब बताने का ये कि खान साहब को भी उस वक्त से ये पता था जब जब भाजपा ने आके उनको ये कहा कि हमारे पास आपकी भी टेप्स हैं शायद जैसे उन्होंने कहा कि आप भी प्ले बॉय हैं तो ख़ान साहब ने कहा कि हाँ मैं रहा हूँ तो, तो इसका मतलब है कि ख़ान साहब को पता था कि उनके हवाले से कुछ चीज़ें आ सकती हैं और वो रिएक्ट करेंगे लेकिन ब्लैक मेल नहीं होंगे जो भी हो निजी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गलतियाँ हैं लेकिन अगर उन गलतियों की बुनियाद पर कोई बस ब्लैक मेल होकर चुप करके बैठ जाए तो खान साहब ने ये फैसला किया कि वो नहीं ब्लैक मेल होंगे किसी भी सूरत लेकिन वो साथ ही अपनी चीज़ों को ये भी कहते हैं कि एडिटेड हैं फेक हैं और ये कोई भी बना सकता है आज हम चाहें इनके लिए इनकी दस हम ऑडियोज ऐसे बना दें लेकिन उससे नौजवान नस्ल को क्या पैगाम जाता है कैसे ये लोग टैकल करेंगे इन चीज़ों को तो ये भी उनका एक कंसर्न है फिर उन्होंने ये बात भी की मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि जब वो कह रहे कि हमारे इतिहादियों को ये कंट्रोल करते थे मतलब जो भी था सारा कुछ यही करते थे हमने इनसे कोई मदद नहीं लेकिन लेकिन इन्होंने हमें इतहादी जो है वो हमारे साथ मिलाए उनको कंट्रोल ये खुद करते थे और हमें मतलब हुकूमत उस तरह से करनी नहीं दी पावरफुल होने नहीं दिया जिस तरह से हम होना चाहते थे तो मैंने कहा आप इसीलिए ई लाना चाहते थे आपने बड़ी कोशिश की ई लाने की लेकिन आप नहीं ला सके उन्होंने कहा हंड्रेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो बाजवा कंट्रोल करते थे और वो इसकी मर्जी के बजाय कुछ भी नहीं करता तो ये ई वाला मामला भी इसी वजह से नहीं आ सका क्योंकि जो बाजवा नहीं चाहते थे और वो उसको कंट्रोल कर रहे थे तो इसलिए मैंने बड़ी कह रहे कोशिश कर ली कि ई आ जाए वो कह रहे रिजल्ट आने से लेके पता नहीं किस प्रोसेस तक जहाँ पे सारी धांधली शुरू होती है जहाँ से वो थोड़ा से गैप में गड़बड़ होती है अगर ई आ जाती तो वो गड़बड़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया और वो ई वाला मामला भी लटक गया और आखिर में परवेज सॉरी चौधरी निसार के हवाले से भी क्वेश्चन हुआ कि उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू की हैं उन्होंने भी अपनी कॉर्नर मीटिंग वगैरह की है तो खान साहब कहते हैं अच्छा बड़े खुश हुए सुन के उन्होंने कहा वाकई जी जी उन्होंने कोई की है अपनी काफ़ी टाइम के बाद तो उन्होंने कहा मेरा काफ़ी टाइम से उनसे कोई रबता नहीं है लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है एक्टिविटीज़ तो होनी चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बाकी ओवरऑल उनका मीशत के ऊपर बहुत लंबा एक बयानिया है वो कहते हैं कि जो मैं कह रहा था मीशत के हवाले से एग्जैक्ट वही हुआ और मेरा ख्याल है कि खान साहब का जो माशी मामलात के हवाले से एक नैरेटिव था उसके ऊपर उन्होंने खुल के बातचीत की है वो काफ़ी हद तक अब चीज़ें हमारे सामने नज़र आ रही हैं लेट्स सी अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो आज तक के लिए इतने अपना बहुत सा ख्याल रखिए खुदा हाफिज़